स्वागत है गाइस आपका हमारे चैनल अली समाचार में, और हम फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ आ चुके हैं। और अब हम जाने वाले हैं कांगड़ा, पालनपुर और बैजनाथ। ये हमारा ब्लॉग होता है स्टार्ट डे वन का, जिसके बारे में हम सारी जानकारी जो भी वीडियो में होगा आपको दिखाएंगे। और चलिए अब हम चलते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं पंजाब में आनंदपुर साहिब। हम यहाँ से 21 किलोमीटर है, पर हम यहाँ शोर जाना है। जी के दर्शन के लिए, और अभी हमें 6:30 हो चुके हैं और काफी रात हो चुकी है। और यहाँ पे पहाड़ों पे आते ही है, पहले तो यहाँ बारिश बहुत तेज से शुरू हो चुकी है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। और बाकी दिशु जी बताएंगे। दिशु जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अभी हमें। अच्छा, अच्छा। और लग रहा था कि आज बारिश होगी यहाँ पे? एकदम से इतनी बारिश लग चुकी है और बहुत ठंडा मौसम हो चुका है, मजा आ रहा है। बाकी मैं आपको थोड़े से शोर दिखाता हूँ सामने की। पुन्नी जी के दरबार पर हम माँ चिंतपूर्णी जी के दरबार पर पहुंचने के बाद हमने होटल लिया। होटल लेने के बाद हम पैदल ही बाजार की ओर निकले। रात को धीमी धीमी बारिश लगी रही। खाना खाने के बाद हम अपने होटल की ओर चल पड़े। चुके हैं माता चिंत
घंटा पुन्नी जी के दरबार पे। और अभी हमको सुबह हो चुकी है, हमने रात को मत्था टेकना था और रात को 8 बजे के बाद मंदिर बंद हो गया था। बाकी रात यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है, आप अभी भी देख सकते हैं, अभी भी काले बादल बिल्कुल लगे हुए हैं, कभी भी बारिश फिर दोबारा आ सकती है। रात को लगातार बारिश होती रही और इस टाइम ठंड पूछो तो यहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस इस समय टेम्परेचर हो चुका है। ठंड ठीक ठाक है, वैसे हवा ज़्यादा तेज चल रही है इस समय। अभी हम माता जी के दर्शन के लिए निकलने वाले हैं और अभी हमें पता चला है कि COVID-19 के चलते हमें टिकट या पर्ची लेनी होगी, उसके बाद ही हम माता के मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। तो अभी हम निकलेंगे और पहले पर्ची लेंगे। प्यारा दिख रहा, देख सकते हैं के लिए। तो हमारे होटल से माता जी का मंदिर कुछ ही मीटर की दूरी पर है। ये पर्ची आपको टेंपल ट्रस्ट द्वारा दी जाएगी और ये पर्ची बिल्कुल निशुल्क है। सुबह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 8 बजे खुलता है। जय माता जी नारे लाते हुए सभी श्रद्धालु आगे बढ़ते रहे। बोल साचे दरबार की जय। चिंतपुर्णी माता जी के दर्शन के बाद अब हम ज्वाला जी माता जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। यहाँ से माँ ज्वाला जी टेम्पल का रास्ता 31 किलोमीटर का है। Thank you.
चिंतपूर्णी से ज्वाला जी के लिए हमें 1 घंटे का समय लगा। कोविड-19 के चलते बच्चे आप दरबार के थोड़े दृश्य देख सकते हैं।